हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति का संसार। अभी सुबह का टाइम हो चुका है और राजा जीतिया का नायक है। रात में कल आया था बहुत ज़ोरदार का आंधी और तूफान, जिसके से पूरा घर में डस्टिंग वगैरह करने में डस्ट से भर गया था। और सुबह का टाइम हो चुका था तो मैं सुबह उठ के वही अपने अपने व्यूज़ का थोड़ा सा शूट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने बनाए फ्रेश होकर अपने लिए चाय, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ 3-4 दिन से ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय। उसके बाद जीतिया का नायक है तो मम्मी मेरी नहा स्नान वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो बिना आज खाना नहीं बनाता, तो मैंने उनके लिए जो आज का जो जीते का नायक है मैं जो बनता है उसके लिए मैंने सारी कटिंग वगैरह कर दी, साग साग के झिंगनी वगैरह सब साफ कर दिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने डस्टिंग में मम्मी की थोड़ी सी हेल्प के मन से, कि उनका कल से उपवास है तो मैंने सोचा चलो आज उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर मैं अपने लग गई डस्टिंग के काम में। रात को इतना तूफान और आंधी आया था, पूरा घर बालू और धूल से भर चुका था, तो मैंने डस्टिंग में अपने लग गई, क्योंकि वो भी जोर जोर पर बालू बालू लग रहा था। तो मैंने सारी बेड बेड साफ कर करके चादर उधर चेंज किया कुछ। और उसके बाद का जो मौसम आपको दिखाऊंगी ना तो बिलीव नहीं करोगे कि सुबह इतनी ठंडी और जोड़ा तूफान के बाद ऐसा भी हो सकता है। भगवान की इच्छा है ना, जब वो चाहे तब कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं अपना डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने सारे सफाई वह की, फिर अपना जो भी डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो किया। क्लीनिंग का काम करने के बाद मैंने सोचा चलो आज जैसे अंदर तूफान बंद हुआ उसके बाद इतना ज़ोरदार आपको कड़ा धूप निकला कि यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह इतना तेज़ बारिश आया था और अभी और तूफान आ इतना धूप निकला, तो देखिए ये कैसा कड़ा सूर्य भगवान की लीला। तो मैंने सारे गद्दे वगैरह भी थोड़ा धूप में डाल दिए रखने को प्रोटेक्टर के साथ। उसके बाद फिर मम्मी मेरी नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई, फिर उन्होंने बनाया मड़वा का यानी नाचनी की रोटी, और जो साग वगैरह मैंने साफ करके रखा था वो बनाया उन्होंने। तो मड़वा की रोटी और साग खाते हैं आज पानन में, और हमारे देते हैं पहले चीले और सियारों को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा आप लोग को वेलकम कर दूँ। अच्छे होंगे और आप सबकी कोशिश की वजह से मैं भी फिलहाल अभी अच्छी हूँ। आप लोगों को मेरे से कब से मेरी आवाज़ लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सही बात है, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब सोशल मीडिया पे अपडेट भी नहीं रह रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है चलो मैनेज कर लेंगे, करना है काम है अब हमारा। तो फिर चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मैं सोचा आप लोगों को हाई हेलो कर दूँ, और राजा जीतिया का नायक है तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारी माओं के ही जिन्होंने इतना कड़ा व्रत हम बच्चों के लिए रखती हैं उन्हीं लोग का आशीर्वाद है कि हम लोग आज खड़े हैं, जीवित हैं। बस हमारी माँ भी हमारे लिए ऐसी सालों साल व्रत करती रहें, सालों साल उनकी उम्र हो। दुनिया की सारी माओं को मेरी तरफ़ से ढेर सारा प्रणाम, हम सब का आशीर्वाद मेरे पे भी बना रहे, और ऐसे बने रहिए ब्लॉग में। और उसके बाद हम मम्मी ने पूजा उजा कर लिया, उन्होंने प्रसाद जो बनाया था उन्होंने खाया मड़वा का रोटी। उसके बाद फिर हम बच्चों के लिए देती हैं, तो फिर वही मैम स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके आके फिर मैंने भी खाया नोनी का साग, झिंगने का सब्जी और कांदा का सब्जी, सब मिक्स बनता है, अलग अलग मतलब चाहो तो मिक्स होता, मेरे घर मिक्स ही बनता है। तो ये प्रसाद मम्मी ने हम लोग लिए रखा था, फिर मैंने वह खाया। और इस तरीके से जितिया का नहाया खाया हुआ कम्प्लीट। कैसा है ब्लॉग?